मुर्ग तो आपने बहुत से खाए होंगे, लेकिन आज मैंने आप लोगों के लिए बनाया है कुछ हटके, और वो बनाया है तीखा मुर्ग। तो अगर आप ये वाला तीखा मुर्ग ट्राई करोगे ना, तो वाकई आप मान जाओगे कि बहुत ही मजे का बना है और बहुत ही टेस्टी है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें कि मैंने ये तीखे मुर्ग की रेसिपी कैसे बनाई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद आमना .com। मैं हूँ आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे किचन में बन रहा है तीखा मुर्ग, बहुत ही डिफरेंट किस्म का और बहुत ही मज़े का है। तो तीखा मुर्ग बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, चिकन लिया है आधा किलो, मैंने बोन वाला लिया है, आप बोनलेस भी ले सकते हैं। दो मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज ली है, चार मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर लिए हैं, पुदीना लिया है हमने 2 टेबलस्पून, धनिया लिया है कटा हुआ 2 टेबलस्पून, हरी मिर्ची ली है हमने 5 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया हमने 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च का पाउडर लिया हमने 1 टेबलस्पून, काला नमक लिए हमने 1/4 टीस्पून, कलवंजी लिए हमने 1 टीस्पून, जीरा पाउडर लिए हमने 1 टीस्पून, कुटी हुई मोटी वाली काली मिर्च लिए हमने 1 टीस्पून, सौंफ लिए हमने 1 टीस्पून, करी पत्ते लिए हमने 1 टीस्पून, नमक लिए हमने सफ़ेद वाला जो नॉर्मल नमक होता है 1 टीस्पून, साबुत धनिया लिए हमने 1 टेबलस्पून कुटा हुआ, और ऑयल लेंगे हम 1/4 कप। तो ये चीज़ें चाहिए हमें तीखा मुर्ग बनाने के लिए। तो अब स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें ऑयल डाल देंगे, फ्लेम हमने मीडियम रखी हुई है, तो ऑयल हमने डाल दिया। अब इसमें हम डालेंगे करी पत्ते, अगर आपके पास फ्रेश वाले हैं ना तो बहुत अच्छी बात है, मेरे पास ड्राई वाले हैं तो मैं ड्राई वाले डाल रही हूँ। थोड़ा सा इसे हम करकराएंगे, तो ये देखिए करकर की आवाज़ आना शुरू हो गई है। तो अब इसमें हम डाल देंगे ये कलवंजी और ये सौंफ, और इनको भी हम थोड़ा सा करकरा लेंगे। तो ये देखिए इसमें से भी करकराने की आवाज़ आ गई है। तो अब इसमें हम डाल देंगे कटी हुई प्याज, प्याजों को हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए प्याज हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, ज़्यादा इसे हमने लाल नहीं करना, मतलब फ्राई नहीं करना, हल्का सा इसे सॉफ्ट करना है। तो ये देखिए सॉफ्ट होके ही थोड़े से हो गए हैं। अब इसमें हम चिकन डाल देंगे, चिकन डाल के चिकन को फ्राई करेंगे। चिकन को हम इतना फ्राई करेंगे कि चिकन का जो कलर है वो चेंज हो जाए, पिंक से ये वाइट हो जाए। तो ये देखिए चिकन का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हम डाल देंगे कटे हुए टमाटर, और साथ में डालेंगे नमक, लाल मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर, और मिक्स कर लेंगे। और इसे कवर करके छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। पंद्रह मिनट हो चुके हैं, तो ये देखिए टमाटर प्याज हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे हरी मिर्चें, और हरी मिर्चों को हम सेंटर से कट लगा लेंगे, ये देखें। अब इसमें हम डाल देंगे कुटा हुआ साबुत धनिया, दरदरा कुटा हुआ, कुटी हुई काली मिर्च, और ये काला नमक, मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया, और अब इसमें हम डालेंगे 1/2 कप पानी, मिक्स कर लेंगे, और इसे कवर करके छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए तीखा मुर्ग हमारा रेडी है। अब इसमें हम गार्निश कर देंगे कटे हुए हरे धनिए की और पुदीने की, मिक्स कर लेंगे, और इसे हम डिश आउट कर लेंगे।
तो तैयार है हमारा तीखा मुर्ग। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये तीखे मुर्ग की रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको ये मजे का टेस्टी टेस्टी सा तीखे मुर्ग की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें। और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करके इसकी पिक्चर में साथ शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, और इस बटन पे क्लिक करके आप किचन विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस बटन पे क्लिक करके आप लाइफ विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आने वाली मेरी हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अल्लाह हाफिज़।